Hey guys, welcome to Akash Jain Arts. Today I will see you calligraphy forms. So इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक पेन कैलीग्राफी का और आपको नेप उसमें फोर लगानी होगी और फिर फर्स्ट स्टेप में आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसके लिए आपको एक मैथ्स की कॉपी चाहिए होगी ब्लॉक्स के लिए, ब्लॉक्स वाली। सो मैं आपको फर्स्ट फॉन्ट करके बताती हूँ। देखिए पहले हमें यहाँ से इसकी ये लेनी है, फिर हमें थोड़ा सा पेन को चलाना है पतली नुक से और फिर ऐसे मोटा करके हमें ऐसे ऊपर पतला चला देना है। बस ऐसे करके ऐसे देखिए आप। गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना एंड कमेंटेड। ये हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है, अब मैं आपको सेकंड स्टेप करके बता दूँ। हमें बस इसका उल्टा करना है। यहाँ के आप उसको ऊपर यहाँ से पकड़िए, पतली नेक चला के फिर आप लाइन पे मोटी नेक चलाइए और फिर यहाँ से पतली नेक निकाल दीजिए। बस देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए सो गाइस ये सेकंड स्टेप भी हो चुकी है। सो गाइस मैं आपको थर्ड स्टेप करके बता दी हूँ। देखिए हमको यहाँ से सेंटर पे लेना है, थोड़ा सा ऐसा करना है और फिर हमको ऐसे ऊपर उठाना है ऐसे पॉइंट पे और फिर ऐसे ये करना है स्ट्रेट। देखिए थोड़ा सा आपको हैंड को मूव भी करना होगा। देखिए फ्रेंड्स आपको मैंने थर्ड स्टेप भी करके बता दिया है, अब मैं आपको फोर्थ स्टेप करके बताती हूँ, बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो वन सेकेंड, यस इसका अपोजिट है, मैं आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। बस हमको यहाँ से लेना है ये बस यहाँ जोर से पत्ता लेके आना है और
तो गाइस यहाँ पे हमारी फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको सिक्स्थ स्टेप करके बताऊंगी। दैट्स सो सिंपल, आपको करके बताती हूँ मैं। हमको क्या करना है, ये लेना है हमको और स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन खींचना है और बस यहाँ से एल जस्ट थोड़ा सा नीचे से आपको ऊपर लेके जाना है, वो भी पतली नख से। तो मैं करके बताती हूँ आपको। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। जी गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे टोटल 5 स्टेप हो चुकी हैं। फर्स्ट स्टेप आपको ऐसे करना है, सेकंड स्टेप आपको ऐसे करना है, थर्ड स्टेप आपको ऐसे करना है और फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपको ये फिफ्थ स्टेप मैंने आपको बता दी है और मैं आपको सेकंड पार्ट में और स्टेप बताऊंगी जिससे कि आप कैलीग्राफी के फॉन्ट्स बना सकें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।